इस दुनिया में कई ऐसे रहस्य हैं जिसे आज तक कोई सुलझा नहीं पाया। ऐसा ही एक रहस्य है अमेरिका के दक्षिण पूर्वी तट पर स्थित बरमूडा ट्रायंगल, जो सालों बाद भी दुनिया की सबसे रहस्यमय जगहों में से एक है। अगर इस जगह पर कोई भी जहाज पहुंच जाता है तो वो फिर कभी लौट कर नहीं आता। इस जगह से आज तक कोई भी पानी का जहाज या प्लेन सुरक्षित नहीं लौटा है। बताते हैं कि इसमें अब तक 2000 जहाज और 75 एयरक्राफ्ट इस शैतानी ट्रायंगल में समा चुके हैं। क्या है बरमूडा ट्रायंगल? बरमूडा ट्रायंगल अमेरिका के फ्लोरिडा, प्यूर्टो रिको और बरमूडा तीनों को जोड़ने वाला एक ट्रायंगल यानी त्रिकोण है। इस जगह पर कोई भी जहाज अगर गलती से पहुंच गया है तो जहाज अपने सामान और यात्रियों सहित कहां गायब हो गया, ये किसी को भी आज तक पता नहीं चल पाया है। बीते सैकड़ों सालों में यहां हजारों लोगों की जान गई है। एक आंकड़े में ये तथ्य सामने आया है कि यहां हर साल औसतन 4 हवाई जहाज और 20 समुद्री जहाज रहस्यमय तरीके से गायब होते हैं। 1945 में अमेरिका के 5 टारपीडो बम वर्षक विमानों के दस्ते ने 14 लोगों के साथ फोर्ट लोडरडेल से इस त्रिकोणीय क्षेत्र के ऊपर से उड़ान भरी थी। यात्रा के लगभग 90 मिनट बाद रेडियो ऑपरेटरों को सिग्नल मिला कि कंपास काम नहीं कर रहा है। उसके तुरंत बाद संपर्क टूट गया और उन विमानों में मौजूद लोग कभी वापस नहीं लौटे। बरमूडा ट्रायंगल के बारे में सबसे पहले सूचना देने वाले क्रिस्टोफर कोलंबस ही थे। कोलंबस ही वो पहले शख्स थे जिनका सामना बरमूडा ट्रायंगल से हुआ था। उन्होंने अपने लेखों में इस त्रिकोण में होने वाली गतिविधियों का जिक्र करते हुए लिखा है कि जैसे ही वो बरमूडा त्रिकोण के पास पहुंचे, उनके कंपास ने काम करना बंद कर दिया। उसके बाद क्रिस्टोफर कोलंबस को आसमान में एक रहस्यमय आग का गोला दिखाई दिया जो सीधा जाकर समुद्र में गिर गया। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि इस क्षेत्र में भौतिकी के कुछ नियम बदल जाते हैं जिस कारण ऐसी दुर्घटनाएं होती हैं। कुछ लोग इसे किसी पारलौकिक ताकत करामात मानते हैं। इस पर कई किताबें और लेख लिखे जाने के साथ ही फिल्में भी बन चुकी हैं। तमाम तरह के शोध भी हुए लेकिन तमाम शोध और जांच पड़ताल के बाद भी किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सका है।